2018 में इनकी लास्ट मूवी आई थी जिसका नाम था जीरो। बॉक्स ऑफिस पर जीरो ही रही लेकिन लोगों ने पौवा के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा सराहा, मतलब कि काफी ज्यादा फैंस में बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब उसके बाद 3 साल हो गए हैं, कोई भी मूवी नहीं आई है। तो ऐसे में फैंस बहुत पूछ रहे थे कि यार अपकमिंग एसआर के प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग शाहरुख खान मूवीज, शाहरुख खान नेक्स्ट मूवीज, रिलीज डेट्स, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे। तो ऐसे में एक वीडियो ऐसी बनाई आपको ये लिए, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब नेक्स्ट मूवीज क्या हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टर हैं और कब तक आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआरके अपकमिंग मूवीज की। देखिए यार एसआरके की दीवानी पूरी की पूरी दुनिया, हर कोई चाहता है कि यार हर 2 महीने में 3 महीने में एसआरके बड़ी स्क्रीन पर आए। लेकिन ये भाई साहब इतने ज्यादा व्यस्त हैं, नहीं किस चीज में व्यस्त हैं कि पिछले 3 साल से कोई भी मूवी करी ही नहीं। 2018 में इनकी लास्ट मूवी आई थी जिसका नाम था जीरो। बॉक्स ऑफिस पर जीरो ही रही लेकिन लोगों ने पौवा के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा सराहा, मतलब कि काफी ज्यादा फैंस में बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब उसके बाद 3 साल हो गए हैं, कोई भी मूवी नहीं आई है। तो ऐसे में फैंस बहुत पूछ रहे थे कि यार अपकमिंग एसआर के प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग शाहरुख खान मूवीज, शाहरुख खान नेक्स्ट मूवीज, रिलीज डेट्स, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे। तो ऐसे में एक वीडियो ऐसी बनाई आपको ये लिए, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब नेक्स्ट मूवीज क्या हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टर हैं और कब तक आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए इस लिस्ट में पहला नाम आता है पठान का। देखिए पठान मूवी मच अवेटेड मूवीज में से एक है, हर कोई दीवाना है पठान का। अब पठान का भी एक अपना ही रूल रेगुलेशन है, पठान आएगा अपनी मर्जी से और जाएगा अपनी मर्जी से। तो पठान के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे आपको जॉन अब्राहम और शाहरुख खान का साथ देंगी दीपिका पादुकोण। अब बहुत सालों बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम एसआरके करने जा रहे हैं एक रो एजेंट का कैरेक्टर। और इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं, ये स्पाई यूनिवर्स के ऊपर बेस है। अब आपको बताते हैं कि स्पाई यूनिवर्स क्या है। देखिए सिद्धार्थ आनंद ने एक चीज क्रिएट की है जिसका नाम है स्पाई यूनिवर्स, और उनका कहना है कि मैं इंडिया के सबसे बड़े स्पाई यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला हूं, जिसमें होंगे सलमान खान, जिसमें होंगे जॉन अब्राहम, जिसमें होंगे शाहरुख खान, जिसमें होंगे ऋतिक रोशन और जिसमें आने वाले दिनों में देखा जा सकता है विद्युत जामवाल को। तो ये क्या है क्या नहीं है, चलो आपको बताते हैं। देखिए शाहरुख खान की मूवी आ रही है पठान, शाहरुख खान रो एजेंट है और इस मूवी में शाहरुख खान की मदद के लिए आएंगे टाइगर। टाइगर आप जानते हैं, टाइगर हमारे सलमान खान। और जब टाइगर का फोर्थ पार्ट आएगा तो टाइगर की मदद करने के लिए आएंगे कबीर। कबीर कौन है? कबीर है वो के ऋतिक रोशन, और वो के ऋतिक रोशन को जब मदद की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएंगे वहां पर पठान। तो यार ये मेल झोल इनका काफी ज्यादा अच्छा है और अगले प्रोजेक्ट में बात चल रही है कहीं ना कहीं विद्युत जामवाल भी इस सीरीज का हिस्सा बनने वाले हैं, जहां पर इंडिया के सबसे बड़े सितारे, जहां पर हमने आपको बताया है शाहरुख खान है, सलमान खान है, जॉन अब्राहम है और ऋतिक रोशन है, साथ ही साथ आने वाले दिनों में विद्युत जामवाल जुड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं दीपिका और कैटरीना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। तो सब लोग मिलजुल कर एक बहुत ही जबरदस्त स्पाई यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। और स्पाई यूनिवर्स के साथ साथ मैं आपको बता दूं रोहित शेट्टी भी अपना कॉप यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपको मिलेंगे 3 सुपरस्टार पुलिस वाले एक साथ। आपको मिलेंगे सिंघम अजय देवगन, सिम्हा रणवीर सिंह और अक्षय कुमार सूर्यवंशी एक ही फिल्म में। सूर्यवंशी रिलीज डेट अनाउंस जल्द होने वाली है, जहां रोहित शेट्टी अपने कॉप यूनिवर्स के साथ मिलेंगे। देखिए आपने बहुत देख लिया अवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन, सिविल वॉर, फिर आ गई हमारा इन्फिनिटी वॉर, एंड ऑफ गेम, ये सब चीजें पुरानी हो गई। अब हमारे इंडिया का मेड इन इंडिया वोकल फॉर लोकल कर दो, बस बात खत्म। तो दूसरी लिस्ट में नाम आता है एसआरके के दूसरे प्रोजेक्ट का जिसका नाम है डार्लिंग। देखिए डार्लिंग अभी हल्का सा टीजर लॉन्च किया है और जो डार्लिंग होने वाली है सारी की सारी होने वाली है वुमेन ओरिएंटेड मूवी। इसमें बताया जा रहा है कि भाई जब महिलाओं के साथ कैसे दुराचार होता है, अत्याचार होता है, कैसे उनको टॉर्चर किया जाता है, हाउ विल दे फाइट बैक, वो लड़ाई वापस कैसे करेंगी, अपनी इज्जत वापस कैसे कमाएंगी, सारी चीजें हैं। देखिए एसआरके किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे वो बड़ा हो ही जाएगा, लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। अगर हम बात करें खर्चे की तो भाई साहब वो आराम से 100-150 करोड़ तो पार कर ही जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें पठान की, तो पठान का लास्ट फाइट सीक्वेंस वो शूट किया जा रहा है बुर्ज खलीफा में, तो यार तुम बुर्ज खलीफा में तो तुम शूट करोगे तो। और इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा फाइट सीक्वेंस भी बताया जा रहा है, VFX लगाए जा रहे हैं हॉलीवुड लेवल के। तो आने वाले दिनों में एसआरके
बहुत ही जल्द दोबारा से वही नाम कमाएंगे जो पहले था, यानी कि किंग खान बादशाह। और डार्लिंग से वो हर लड़की के दिल को दोबारा जीतेंगे। देखिए लड़कियां उनकी दीवानी तो हैं, लेकिन इस कंसेप्ट के साथ जो आ रहे हैं लाखों करोड़ दीवाने उनकी लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं जो दो प्रोजेक्ट्स हैं शाहरुख खान के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि यार 3 साल से काम मिला नहीं है या फिर किया नहीं है, देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 साल के बाद जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस होगी वो देखने लायक होगी। लाखों करोड़ों लोग जो उनके दीवाने हैं इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि यार भाई साहब कब आएंगे, कब उनको बड़े पर्दे पे देखेंगे। तो उनकी सबकी चाहत पूरी होने वाली है। और मेरी चाहत बस इतनी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया हो तो। पसंद गारंटेड आपको आ गया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट करके बताओ क्या चीज पसंद नहीं आई, और अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट करके बताओ कि आप किसके लिए ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। SRK नेक्स्ट मूवीज, सलमान खान नेक्स्ट मूवीज, ऋतिक रोशन नेक्स्ट मूवीज, या फिर अक्षय कुमार नेक्स्ट मूवीज, या फिर आप अजय देवगन को देखना चाहते हो। अपने फेवरेट सितारे के बारे में कमेंट कीजिए, उनके भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आपको जरूर बताए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं बहुत जल्द आपको किसी और सितारे की दुनिया में ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।